अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, तंबाकू नोशी, सिगरेट पीना एक आम आदत बनी हुई है। आप इस्लामाबाद और इसके साथ साथ मुल्क के किसी कोने में चले जाएं, आपको खुलेआम बस स्टॉपों पे, पार्कों में, हॉस्पिटलों में, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों के सामने आपको लोग सिगरेट पीते नज़र आएंगे। कोई झिझक नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है, हालांकि कानून है। कानून के मुताबिक खुलेआम सिगरेट नोशी, इस पे जुर्माने हैं, सजाएं हैं। सिगरेट की डिब्बिया के ऊपर बना हुआ है एक बड़ा खौफनाक निशान, जिससे पता चलता है कि आपको कैंसर हो सकता है, आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन लोग फिर भी सिगरेट पीते हैं। और इसी वजह से हर साल पाकिस्तान में 1,60,000 अफराद और पूरी दुनिया में 70 लाख अफराद तंबाकू नोशी की वजह से लुकमे अजल बनते हैं। माहिरीन क्या कहते हैं, आम आदमी के क्या तासरात हैं, इसी हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम होगा। देखेंगे कि लोग इसको बुरा क्यों नहीं समझते, फिर बाखबर होने के बावजूद तंबाकू नोशी क्यों करते हैं। इसी हवाले से एक सेमिनार भी हो रहा है, उसमें भी हम जाएंगे और आम आदमियों से भी बात करेंगे। आइए नाजरी, मेरे साथ चलिए। नाजरीन, ये तंबाकू नोशी के हवाले से डॉक्टर क्या कहते हैं, आम आदमी का क्या तासर है, लेकिन अवेयरनेस जो है वो मीडिया ने दिया, मीडिया पर्सन मेरे साथ ही हैं। मैम, ये लोगों को अवेयर भी किया जाता है, मालूम भी है डिबिया के ऊपर कितनी खौफनाक तस्वीर, इसके बावजूद तंबाकू नोशी में इजाफा हो रहा है। सर, उसकी सबसे जो बड़ा मैं समझती हूँ एक वजह है, वो ये है कि वो सिर्फ डिब्बी में से सिगरेट निकाल के फेंक दिए जाते हैं, उस डिब्बी को उसकी असल एसेंस में महसूस नहीं किया जाता, देखा नहीं जाता। अभी मैं अंदर उस सेमिनार में थी तो उसमें बताया जा रहा था कि वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंजुम खुद बता रही थी कि उन्हीं के एक कैंसर पेशेंट की पिक्चर लगाई गई है डिब्बी पर जो आती है, और जो कैंसर पेशेंट्स अपना अहवाल सुनाते हैं वो बहुत खौफनाक है। आपने देखा कि लोगों को तो मना किया जाता है कि 16 साल से कम बच्चे को, उम्र के बच्चे को सिगरेट ना दें। अब वो बच्चे क्या करते हैं कि 3-4 मिल के तो एक पॉकेट ले लिया, फिर वो उन्होंने तकसीम कर लिया, तो ये बंद ही क्यों नहीं कर दिया? नहीं सर, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को मेरे ख्याल में एक हेल्थ एजुकेशन के नाम से एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए स्कूल्स में भी, जहाँ पर ये बहुत मैंडेटरी सब्जेक्ट हो। बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि ये कोई आप कूल नहीं बन जाएंगे, ये कोई बहुत स्टेटस सिम्बल नहीं है, ये जिस तरह स्कूल में होता है वो बहुत कूल बच्चा है, वो तो धुआं उड़ाता जाता है, तो ये भी थोड़ी सी बच्चों को बिहेवियोरल थेरेपी की ज़रूरत है कि ये एक गलत चीज़ है ये आपकी। और पैसिव स्मोकिंग भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हम ये समझते हैं कि जो लोग खुद स्मोकर्स हैं सिर्फ उनको नुकसान पहुंच रहा है, जबकि आपके गिरदो नवाह में जो लोग आपसे मुतासर हो रहे हैं बिलवास्ता या बिला वास्ता, वो भी इक्वली उनको डैमेज, इक्वल डैमेज मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और जाहिर है जब आप बच्चों को स्कूल के लेवल से ये तालीम देंगे तो वो डेफिनेटली अपने वालिद पर प्रेशर डालने की पोजीशन में होंगे, उनको पता होगा कि स्मोकिंग की क्या रिपरकशंस हैं, क्या इसके हैजर्ड्स हैं, और हमें किस तरीके से इनसे निबर्द आजमा होने की ज़रूरत है। इस तरह के सेमिनार कितने मददगार साबित होते हैं तंबाकू नोशी को रोकने के लिए? बहुत अच्छा इकदाम है मिनिस्ट्री का, तो इस तरह के सेशंस होने चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिल सके। नहीं, टोबैको फ्री इस्लामाबाद के लिए काविश तो काफ़ी अरसे से हो रही है, कामयाबी कोई खास परसेंटेज वाइज? काफ़ी पब्लिक प्लेसेस हैं, जिस तरह 125 पब्लिक प्लेसेस जो सी हमारी ऑलमोस्ट स्मोक फ्री डिक्लेयर हो चुकी हैं, तो बहुत से जुर्माने भी हुए हैं, तो इससे आप देख सकते हैं कि आस्ता आस्ता लोगों में ट्रेंड जो सा वो चेंज होता जा रहा है। जिस तरह अब शीशा सेंटर्स हैं, पहले ये आम हो गए थे, अब लेकिन अब ये है कि आपको बहुत कम 80% जो सी आपको कंप्लाइंस मिलती है उसके ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर शीशा सेंटर्स उस तरह नहीं है जो ऑपरेट कर रहे थे 4-5 साल पहले, आप जिस तरह कर रहे थे, जिस तरह एडवर्टाइजमेंट्स थी जो मीडिया के ऊपर आती थी, तो वो अब वो दूर हो गई हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपकी जो सी हैं वो काफ़ी हद तक डिलीट होती जा रही हैं। बड़ा खौफनाक फिगर है कि पाकिस्तान में 1,60,000 अफराद हर साल तंबाकू नोशी की वजह से मर जाते हैं। डिफरेंट पॉइजनस केमिकल बनते हैं और वो आपकी सेहत को डैमेज करते हैं सिगरेट के जलने से, तो ये कैंसर के आपके जो से हैं उस जो से खतरात हैं वो आपके जिस्म में बढ़ा देते हैं।
ये रुझान कम हो रहा है या ज्यादा? ज्यादा क्यों हो रहा है? इस्लामाबाद की हद तक तो हमने काफ़ी इस पर कंट्रोल पा लिया है, क्योंकि हमारे 6 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी टीम है, वो इस पर काम कर रही है और डिफरेंट शीशा कैफेज पर वो रेड करते हैं, और जितने भी अंडर एज लड़के या बच्चे शीशा वगैरह यूज़ करते हैं उनको जो है उससे रोका जाता है। बेसिकली हमारा कानून है 18 साल से कम उम्र को सिगरेट प्रोडक्ट्स बेचने में ममानत है, तो उस लिहाज से काफ़ी कंट्रोल किया हमने इस्लामाबाद के हद तक। हमने अपना जो इस्लामाबाद का मॉडल है वो रेप्लिकेट किया है मजीद पंजाब के 5 अजला में। तो कौन कौन से? उसमें रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, सालकोट है, लाहौर है, अब मजीद हम कराची में भी शुरू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें वाजिया कमी आएगी। आफ्ताब, हमने देखा कि आपकी स्पीच भी हमने सुनी, इकदाम आपने बताए, काविशें बताई, प्रैक्टिकल में अमल हम देखते हैं वो बहुत कम है। सर एक तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। टबैको स्मोक फ्री इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट तो 2013 से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस्लामाबाद में। यकीनन सर एपिडेमिक कितने बड़े लेवल के ऊपर है कि जितने बड़े भी इकदाम किए जाएँ आपको टाइम लगेगा कि आपको सब नज़र आने में, लेकिन अगर आप बड़े होटल्स में चले जाएँ, बड़े पार्क्स में चले जाएँ, बड़े हाई राइज बिल्डिंग में चले जाएँ, तो आपको टबैको कंट्रोल साइनेज कम अज़ कम ज़रूर मिलेगी, कंप्लाइंस आपको साइनेज की ज़रूर मिलेगी इसके अंदर ना। और आज का ये जो सेशन है ये भी मिनिस्टर फॉर हेल्थ के एडवाइस के ऊपर हमने तमाम मिनिस्ट्रीज से फोकल पर्सन को पहले नॉमिनेट किया, फिर आज इनवाइट किया था कि वो आज तशरीफ़ लाएँ, ताकि ये जो हमारे सरकारी दफातर हैं उनको स्मोक फ्री करना बहुत मुश्किल है रादर देन प्राइवेट ऑफिसेस के। हमारे जितने हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको स्मोक फ्री हमने किया, ट्रेन किया, बड़े आसानी से वो सारे काम हो गए। पार्क्स को स्मोक फ्री किया वो बहुत। तो आज हमारा पर्पस ये था कि हम जो सरकारी दफातर हैं उनके अंदर हम टबैको कंट्रोल के जो कवानीन हैं उनको कंप्लाई करवा सकें, तो असल पर्पस तो ये था। इंशाल्लाह ताला अगर ये स्लोली एंड स्टेडली काम चलता रहेगा तो एक दिन आप देखेंगे कि हम इस एपिडेमिक आपको नज़र होता हुआ दिखाई देगा, अगरचे बहुत सारी चीज़ें अभी ग्राउंड में फिज़िकली अवेलेबल भी हैं देखने को। नाज़रीन आप कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, कोई पार्क हो, कोई पार्किंग एरिया हो, होटल हो, वैगन हो, आपको अक्सर सिगरेट नोशी करते हुए लोग नज़र आ जाएंगे। क्यों करते हैं ऐसा? ये एक दोस्त बैठे हैं, थोड़ी सी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप अभी सिगरेट ये जो पी रहे हैं जी सर, ये क्या फ़ायदा देता है? सर कोई फ़ायदा नहीं है इसका तो। अगर फ़ायदा ही नहीं है तो फिर आप क्यों पीते हैं? वैसे सर आदत तो नहीं हुई है बस। सिगरेट क्यों पीते हैं? जी जी। ये क्यों? वैसे ये आदत बनी है जी। ये तो बड़ा नुकसान है। पब्लिक प्लेस पे पीना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कितने अरसे से पी रहे हैं? ये तकरीबन 30-35 साल हो गए। आपकी गाड़ी में भी लोग बैठ जाते होंगे, सिगरेट भी पी रहे होंगे, आपका दिल चाहता है या नहीं चाहता, मना करते हैं, मना होते हैं फिर? बस कुछ मना हो जाते हैं, अक्सरियत में जो पीने वाले वो पीते हैं, क्योंकि मैं तो सिगरेट पीता नहीं, मुझे तो एलर्जी होती है उससे, हम तंग होते हैं, लेकिन अब जिन्होंने पीनी है वो तो नहीं छोड़ते। लेकिन जो सवारी है आप फिर हालात के साथ समझौता कर लेते हैं कि यार अब इसको कहा तो ये उतर जाएगा? तो सर ये मजबूरी है, क्या करें, आप काम करना, कई बार हम कह देते हैं ऐसी सवारी को नहीं बैठ, अगर आपने सिगरेट पीना है तो रहने दें, ना बैठें, क्योंकि आप अपनी सेहत से ज़्यादा तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है ना, आप बंदा खुद ही सही ना हो तो वो क्या चलाएगा गाड़ी। अच्छा जी, ये है लेटर जी, लेटर से जलाते हैं ऐसे, और सिगरेट जी। अभी आप सिगरेट पी रहे थे जी, कितने अरसे से पी रहे? मैं 74 से पी रहा हूँ। अच्छा 74 से, तो इट्स मीन के तकरीबन 53 सालों से आप जी, 50 सालों से, तो इसके नुकसान होते हैं, को फ़ायदा भी दिया? फ़ायदा तो कोई भी नहीं है। तो फिर क्यों पी? आदी हो गई। बुरी आदत को तो छोड़ना चाहिए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए, कोशिश करेंगे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा आपके ये इल्म में है कि हर साल जो है 1,60,000 बंदा पाकिस्तान में और दुनिया में 70 लाख बंदा सिगरेट नोशी से मर जाता है? बिल्कुल इलम है। तो फिर भी आपको नहीं है कि बच्चों के लिए आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है? आपकी सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन एक आदत पड़ गई है वो छोड़ नहीं जा रहा। लेकिन ये है कि 70 से जब से मैं पी रहा हूँ ना, मैं 4-5 से ज़्यादा नहीं पीता हूँ। अगर सिगरेट की बात हम करें
एक सेहतमंद आदमी के लिए उसकी जान ही बहुत ज़रूरी है, सेहत ही, लेकिन लोग फिर भी सिगरेट पीते हैं, क्या कहते हैं? सिगरेट पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए ताकि लोग खरीद ना सकें, क्योंकि लोगों को तो आदत बन गई है अब सिगरेट पीना, लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा पीने लग पड़े हैं, और ये इंसान के अंदर जो है ना, खैर मैं तो नहीं पीता क्योंकि मैं सख्त इससे एलर्जी है सिगरेट से, और काफ़ी ज़्यादा ये अंदर से जिस्म अंदर एक खोखला कर देता है दिल को, ज़्यादा हार्ट पेशेंट लोग जो है काफ़ी एज पे पहुँच के हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी अक्सर हम देखते हैं कि लोग दुकानों के अंदर भी पी रहे होते हैं, आप भी इस शॉप पे काम करते हैं, बस में आते हैं, वैन में आते हैं, पी रहे होते हैं लोग? सर देखें, तंबाकू नोशी जो है वो तो बिल्कुल ही सेहत के लिए मुज़र है, जिसके लिए बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान भी बार बार टीवी पे इश्तहारों पे देती रहती है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन कुछ ऐसे सरपसंद नासिर हैं जिनकी वजह से ये अमल चल नहीं पा रहा, क्योंकि इसका मुकम्मल तौर पे बायकॉट करना चाहिए कि ये चीज़ एक चीज़ हमारे लिए सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है, तो इसको नहीं कीना चाहिए। तंबाकू नोशी आप करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता तंबाकू नोशी। कोई आपका अजीज, आपका भाई करते हैं, तंबाकू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मैं उनको रोकता हूँ, ये कैंसर बनता है इससे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है इस बात की, जब तकलीफ होगी फिर उनको पता चलेगा तंबाकू नोशी क्या चीज़ है। आप किसी पार्क में जाएं या फिर किसी बस स्टॉप पे जाएं, आपको अक्सर इस तरह के करेक्टर ज़रूर मिलेंगे जो वहाँ पर बैठे हुए अक्सर ये जिस तरह यहीं पर हो रहा है। सलामकुम, यार ये सिगरेट जो पीते हैं ये मज़ा देती है कुछ? सिगरेट कोई मज़ा नहीं है जी, मज़ा क्या है सिगरेट का, बस एक आदत है, एक आदत है। अच्छा, नशा भी नहीं है ये कहें कि कोई नशा नहीं, सिगरेट नशा तो है ना, फेफड़े ख़त्म करती है, लोग कहते हैं टेंशन के लिए पीते हैं, टेंशन रिमूव करती है? नहीं जी, अल्लाह माफ़ करे, टेंशन तो कोई नहीं है। तो कितने अरसे से पी रहे हैं? 25 साल से। ये जो ऊपर एक खौफनाक सा निशान बना हुआ है कि कैंसर हो जाता है, ये हड्ड भी के ऊपर बना हुआ है, ये लोग इसको भी देखते हैं या कुछ थोड़े से परेशान होते हैं या फिर परेशान होते हैं बस 2-4 दिन 10 दिन परेशान होते हैं, उसके बाद फिर यूज्ड हो जाते हैं सारे। शुरू शुरू में जब डब्बी पे निशान आया था बहुत लोग परेशान हुए थे, सिगरेट केस चाहिए ये चीज़, इस तरह की चीज़ें मुझे लागे थे, उसके बाद 2-4 दिन 10 दिन चले, उसके बाद फिर वही यूज़ हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। शुरू शुरू में निशान छपा, हाँ जी, तो लोग परेशान थे, परेशान हुए हैं, सब परेशान हुए थे, और अब कोई नहीं, यूज हो गए सारे, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग कहते हैं बस ठीक है कोई मसला नहीं। आपकी वो सेल उसी तरह है? सेल कम है, सेल में बहुत फ़र्क पड़ गया, पहले जैसी सेल अब काम है ही नहीं पहले जैसे, साफ बताए। देखिए जी, सिगरेट कोई केमिकल है, लाजमी नहीं नुकसान देता है, नुकसान होने के बाद भी लोग आवाम देखती है, पहले वाले निशान को देखती है, पहले खौफ खाती है, फिर कहती है जी चलें कुछ नहीं होता है, आगे हालात जो जा रहे हैं इसके मतलब एक सिगरेट और पी लिया जाए, अपने गम को बुलाने के लिए लाजमी एक ऐसा सिगरेट तो पीते हैं लोग। गम की टेंशनें तो है ना मार्केटों में, अभी देखें ना मार्केट का हाल देखें, यहाँ पीछे सब्जी को देख रहे हैं, गोश्त को देख रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, हालात तो ख़राब है। अब वो एक आदमी सोच बच्चों के लिए किताबें लेने आता है मार्केट में, जब रेट देखता हूँ मैं क्या करूँ, चलो एक सिगरेट ले लो, बताए कष्ट लगा के अपने गम को बुला लेता हूँ। गम को ज्यादा बुलाना है तो फिर पक्का सिगरेट पीना हो? नहीं, पक्का सिगरेट तो फिर हुकूमत को चाहिए, इस चीज़ को बैन लगाए ना, हुकूमत को चाहिए, जब एक निशान का लगा हुआ है इसमें कैंसर होता है, ये हुकूमत को पीछे से बैन करना चाहिए ना, फिर जैसे इन्होंने अभी नाबालिग बच्चों को बंद किया हुआ है, नाबालिग बच्चे क्या करते हैं, वो 3-4 दोस्त मिलकर एक डब्बी ले लेते, बाहर आगे जाके बांट लेते, खुला ही हो गया ना, तो इस चीज़ को तो हुकूमत को चाहिए, पीछे से चाहिए की चाहिए, आवाम के लिए कुछ और बच्चों के लिए कुछ सोचे। आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं टेक्सटाइल में, ज़्यादातर हमने देखा तंबाकू नोशी जो मजदूर है, वर्कर है, वो करता है, तो वहाँ पे आप किस तरह इसकी रोकथाम के लिए इकदाम करते हैं? वो ऐसा है कि मैं तो मेन डिवीजन में हूँ, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं या हमारे जो ऑफिसेज हैं वो दूसरे शहरों में, मगर हमने जो भी हमारे डिपार्टमेंट है अपने उनमें हमने फोकल पर्सन जो है वो नॉमिनेट किए हुए हैं टू इम्प्लीमेंट द ये 2002 वाला जो ऑर्डिनेंस है वो तम्बाकू नोशी के हवाले से। टोबैको फ्री कंट्री के इसके रिजल्ट निकल रहे हैं इंशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छी ड्राइव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और इसके जो नुकसान हैं वो अवेयरनेस की वजह से ख़त्म होंगे, जो नौजवान इसमें या जो भी इसमें
सिगरेट नोशी का शिकार हो रहे हैं, अगर इसको सही तरीके से एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जिस तरह की कंपेन गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये इस्लामाबाद जो है ये स्मोकिंग फ्री सिटी बन जाएगा। कानून मौजूद है हमारे पास जी, लेकिन लोग बिल्कुल उससे डरते भी नहीं हैं, खुलेआम सिगरेट भी पीते हैं, पब्लिक प्लेस पे भी, बसों के अंदर भी। वजह इसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होते हैं, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि पब्लिक प्लेसेस में या जहाँ पे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, हालांकि इसके लिए कानून 2002 का बना है, तकरीबन 15 साल इसके होने को है कि जो कानून बने हैं या 16 साल, लेकिन अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टो सेंसो में नहीं है। तो उसके लिए यह है कि अवेयरनेस चाहिए, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको स्पेसिफिकली एक्टिवेट करना चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तारिक महमूद साहब, डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, इस सारे सिस्टम को देखते हैं। तारिक महमूद साहब, मुझे एक चीज़ का कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो तालीमी इदारों में है कि बच्चा सिगरेट नोशी के साथ साथ ड्रग्स की तरफ भी जा रहा है, मीडिया में बहुत खबरें हैं। ये सोसाइटी तो कोशिश करेगी, हुकूमत की काविशें हैं, क्यों आप एज ए प्रोफेसर क्या सोचते हैं, क्यों इस तरफ रुझान ज़्यादा, खासकर प्राइवेट सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस के अंदर? इस चीज़ को थोड़ा फैशन के तौर पर लिया जाता है, और पेरेंट्स भी कुछ बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते, असातिज़ा भी अपना वो रोल प्ले नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर फैशन के तौर पर ये रुझान बढ़ता है। जैसे हमने मैंने देखा, चूँकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत पहले का काम कर रहा हूँ, फोकल पर्सन रहा हूँ, तो मैंने देखा यहाँ जो इस्लामाबाद के अंदर शीशा सेंटर्स थे, वहाँ पे नौजवान लड़कियाँ भी और लड़के आकर स्मोकिंग करते थे, फिर इसी टबैको कंट्रोल सेल ने काफ़ी हद तक उसके ऊपर काम किया और उसको कम किया। स्कूलों में भी तवज्जो की ज़रूरत है, ख़ासकर बड़े जो अदारे हमारे जो अपने आप को हाई लेवल की जेंट्री तस्वर करते हैं ना, वहाँ पर इस ज़्यादा काम की ज़रूरत है। और यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ है, मौजूद है, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटी के साथ मैं अटैच हूँ, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ स्टूडेंट्स के अंदर किसी हद तक ये रुझान पाया जाता है। देखिए, अवेयरनेस की बात है, काम करना चाहिए, यह सिर्फ टोबैको कंट्रोल के अलावा भी दूसरे अदारों को भी तो काम करना चाहिए ना। और इस तरीके से देखें, इसको अगर हम ज़्यादा मीडिया में हाइप दे के बहुत ज़्यादा अगर आगे ले जाएंगे तो इससे ये कमी नहीं होगी, काम करने से कमी होगी, फोकस करने से कमी होगी, और कमी होनी चाहिए। देखिए, हम किसी भी सूरत ये जो बीमारी है इनको अदारों से ख़त्म करना है। हम तो अदारों की बात भी नहीं कर रहे, मैं तो यहाँ पे चूँकि इनका एक वॉलंटियर हूँ, मैं कहता हूँ ये हमारे शहर से, हमारे मुल्क से और दुनिया से भी इस बीमारी को ख़त्म करना है, और जो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मिनाज को अगर हम देखें तो काविश के हवाले से, कोशिश के हवाले से एक बड़ा नाम है। डॉक्टर साहब ने इस पर बड़ा काम किया, हेल्थ मिनिस्ट्री में डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो स्मोकिंग जोन में इन्होंने जो ख़त्म करने के लिए, तंबाकू नोशी के खात्मे के लिए बहुत काम किया। डॉक्टर साहब, आप सेमिनार करते हैं, आपने हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत परफॉर्म किया, लोगों को अवेयर किया, ख़ास तौर पे ये इस साइड पे जब आप आए, कितनी कामयाबी हासिल हुई आपको? आप तो पिछले 8-9 साल से काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जो भी एफर्ट्स अब तक हमने की हैं इसको मैं कामयाबी अभी नहीं कह सकता, अभी तो हम जो है वो स्टार्ट लिया हमने। हमने बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस सारे एफर्ट का, वो हमें अपने आने वाली नस्लों को कैंसर और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो बर्डन है, जो कि मोस्टली तंबाकू के इस्तेमाल से लगता है, उससे बचाना है। उसके लिए हमारी जो WHO की स्ट्रेटजी सारी दुनिया में है टोबैको कंट्रोल की, उनमें से एक मेजर स्ट्रेटजी जो है वो स्मोक फ्री एरियाज़ के लिए है, ताकि वो लोग जो कि खुद स्मोकिंग नहीं करते लेकिन दूसरों के छोड़े हुए धुएं से जो है वो बीमार हो जाते हैं, उनको बचाया जाए। हमारे मुल्क का जो कानून है प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉन स्मोकर्स हेल्थ ऑर्डिनेंस 2002 जो है, वो भी बेसिकली उसका भी एक मेजर पोर्शन जो है वो जो मानियत करता है पब्लिक प्लेसेस में तंबाकू नोशी से, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी तंबाकू नोशी से रोकता है सिगरेट पीने से, उसका भी मेन मकसद सिर्फ यही है कि जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको बचाया जाए। देखें, जो हमारी दुनिया में जो तकरीबन 7 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो हर साल जो है तंबाकू नोशी से लगने वाली बीमारियों से मरते हैं, पाकिस्तान की जो हमारी लेटेस्ट फिगर्स हैं वो तकरीबन 1,60,000
अफराद जो हैं हमारे वो हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं सिर्फ उन बीमारियों की वजह से जो तंबाकू नोशी से लगती हैं। अभी जो हमारा वर्ल्ड एटलस है वो हमें ये बता रहा है कि पिछले 5 सालों में जो है हमारी पाकिस्तान में तंबाकू नोशी की जो शरह है वो हमारे बड़े मेजर शहरों में कुछ हमारी कोशिशों की वजह से तकरीबन उसमें 18 से 19% जो है वो कमी वाकया हुई है जो कि हमारे लिए बड़ा हौसला अफजा है। और अब भी जो हमारी वफाकी वजारत से सेहत है उसके लिए हमारा फोकस जो है अब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर भी और स्पेशली कैंसर्स और इस तरह की दूसरी बीमारियां जो हैं गैर मुतअद्दी बीमारियां उनके ऊपर फोकस उसमें भी हमारा जो सबसे बड़ा फोकस उसके अंदर है उनकी प्रिवेंशन के लिए वो तंबाकू का इस्तेमाल को रोकना है। और उसके लिए हमें अपनी नौजवान नस्ल को आगाह करने के लिए हम कम्युनिटी के हर सेक्शन के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं उनको अवेयरनेस कम्पेन्स भी करते हैं और उनके साथ जो है और साथ साथ हमारी जो है लॉ इन्फोर्समेंट भी उसी तरह ज़ोर शोर से जारी है। नाज़रीन मैंने कुछ लोगों से बात की माहिरीन के पास गया सेमिनार की रुएदाद आपने सुनी सिगरेट का एक कश इससे निकलता हुआ धुआं ये निगल जाता है आपके पूरे इंसानी आसाब को और वो माएँ जो अपने बच्चों के लिए उनके मुस्तकबिल के लिए अपनी नींद अपना चैन अपना करार सब कुछ उन्हें देते हैं तालीमी इदारों में भेजते हैं लेकिन बदकिस्मती है कि वही बच्चे फिर वहाँ पर इस तरह तंबाकू नोशी और आहिस्ता आहिस्ता नशे की लपेट में जब आते हैं तो वो मुआशरे का बायस इफ्तखार सरमाया बनने की बजाय वो नासूर बन जाते हैं वो बोझ बन जाते हैं मुआशरे के लिए। कितना बड़ा फिगर है कि पाकिस्तान में 1,60,000 अफराद हर साल लुक्मे अजल बन जाते हैं और ज़्यादातर नशा अगर हम देखें तो वो नौजवान नस्ल में है। हमें इस पे कंट्रोल करना होगा। दुनिया में 70,00,000 का फिगर है जो तंबाकू नोशी से मरते हैं लेकिन उनके पास कंट्रोल के लिए वसाइल हैं उनके पास जदीद आलात हैं इक्विपमेंट हैं इलाज की सहूलतें हैं पैसा है लेकिन हमने देखा कि 80% लोग जो हैं नशे की लपेट में वही आते हैं जो गरीब हैं गुर्बत की लकीर से नीचे हैं मीडियाकर हैं। हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ऐसे इदारों को जो कौम की नस्ल को बचाने के लिए कौम को बचाने के लिए ऐसे इदारों को वजूद में लाते हैं और फिर दिन रात काम करते हैं। लेकिन सवाल एक है कि जब इस तरह के इदारे कोई सेमिनार करते हैं लोगों को बुलाते हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के लोगों को बुलाते हैं इदारों को लोगों को बुलाते हैं लेकिन वो नहीं आते वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि कौम की नस्ल को बचाने के लिए क्या वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं अगर नहीं तो क्यों नहीं। आने वाले वक्त में जहां दीगर वसाइल मसाइल होंगे वहां पे उन्हें भी जवाब देना होगा लेकिन खुश आइंद बात यह है कि मौजूदा हुकूमत इमरान ख़ान की शक्ल में उनके साथियों की शक्ल में इदारे अपने साथियों की शक्ल में इस बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं। आइए नाज़रीन आप भी इस जिहाद में शामिल हों ना सिर्फ इस्लामाबाद को बल्कि पूरे पाकिस्तान को तंबाकू नोशी से पाक जोन बनाएं ताकि सरसब्ज और ख़ूबसूरत पाकिस्तान जिसका तसव्वुर हज़रत कायद आज़म ने दिया और पाकिस्तान बनाया वो पाकिस्तान हासिल कर सके। पाकिस्तान टेलीविज़न कोशिश करता है मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है आइए इस आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और ख़ूबसूरत पाकिस्तान के लिए अपनी काविशों को तेज़ करें। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के मान।